इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग इसीलिए करते हैं, अदरवाइज तो हम ट्रेनिंग आप ना ही करें, प्रूनिंग ना करें तो झाड़ बन जाएगा, आपके जो फ्लावरिंग बहुत होगी, सेट नहीं होगा क्योंकि वीक बीमार है। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपका जो आने वाला टाइम है प्रूनिंग का 5-6 साल बाद, तो बड़ी आसानी से प्रूनिंग हो जाएगी। अगर आप उसमें मल्टीपल ब्रांचेस लेफ्ट करेंगे तो आपस में उलझते रहेंगे, जो प्रूनर भी होगा आपका या खुद कर रहे हैं तो आपको बड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो आपका ये ट्रेनिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब प्रूनिंग की बात आती है, उसके बाद प्रूनिंग किस तरह से करनी है। प्रूनिंग का मकसद होता है कि आपका बैलेंस बनाना, ये भी नहीं करना कि आपने बिल्कुल, प्रूनिंग में दो चीज़ें आती है, एक होती है थिनिंग आउट ब्रांचिंग कि आपने बिल्कुल या मेन ब्रांच से या लीडर से आपने बिल्कुल साथ से काटना, थोड़ा सा स्टब रख के ये काट दिया, और एक होती है कि आपने जो ब्रांच सेलेक्ट की है उसको पीछे कितना काटना है। प्रूनिंग डिपेंड करेगी आपकी पौधे की ग्रोथ देख के, ये नहीं है कि आपका बड़ा बगीचा है उसमें एक टाइप की प्रूनिंग होगी, ये तो आपके कितनी ग्रोथ है पौधे की, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है नीचे है उसका ऊपर ही बांधना है। रूट स्टॉक का ये फायदा है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं ग्रोथ को, जो जितनी भी हाई अल्ट्रा हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी है, इसीलिए रूट स्टॉक बने कि पौधा छोटा चाहिए। सबसे पहला काम है हाई डेंसिटी होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बोना पौधा चाहिए, बोना किससे बनेगा आपका रूट स्टॉक। M9 है बिल्कुल छोटा है, उससे बड़ा चाहते 106 और M7 ले लो, उससे और थोड़ा बड़ा चाहते 111, उससे और सीडलिंग की तरह चाहते तो 793 है। तो ये ग्रोथ आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम पे जा रहे हैं और आपकी टोपोग्राफी कैसी है। सीधे खेत में तो M9 बहुत बढ़िया चलेगा, अगर आपकी सॉइल कंडीशन ठीक नहीं है, स्लोप ज़्यादा है, तो M9 नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 111 नहीं, जैसे हमारे ना 6500 या 7000 के नहीं, हाइट का कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा ना हो कि जहाँ 4-4 फुट 3-3 4-4 फुट तो मतलब वहाँ कम से कम थोड़ा M9 को अवॉइड करना। अच्छा, ठीक है, अगर तो आपका सपोर्ट सिस्टम ठीक लगा तब कुछ नहीं होगा, मतलब उसके टहनियों पर कम टिकेगी, नीचे भी कुछ नहीं होगा। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम वीक है तो हो सकता है कि नीचे। अच्छा, ये सीडलिंग में भी नहीं हो सकता, सीडलिंग में देखो सीडलिंग में कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपका, जैसे मान लो आपने ये दो तीन चीजें है सीडलिंग के बारे में ग्रोथ कंट्रोल करनी है। मतलब आप पहले लगाते थे ना, 5 मीटर पे लग गया या 7 मीटर से शुरू हुआ, 5 मीटर में स्वर टाइप आ गई, स्वर टाइप छोटी होती है, उससे अगर आप और क्लोज आना चाहते हैं तो जो ये मैं बेंडिंग वाले सिस्टम बताए थे ना, इसको क्या है कि सीडलिंग पे लगा दिया, उसको ब्रांची निकाल दी, हॉरिजॉन्टली ट्रेन करना, ऊपर ही ट्रेन ऊपर ट्रेन, तो आपकी जब हॉरिजॉन्टली ट्रेन करेंगे तो आपकी ग्रोथ चेक हो जाती है। अगले साल उसको हेडबैक नहीं करना आगे से, हेडबैक मीन्स जो टहनियाँ रखी है उसको टिपिंग नहीं करना, है टिपिंग नहीं करेंगे तो आपके पीछे स्वाइप फॉर्मेशन हो। मैं ये भी करके देखा हूँ, उसमें मेरे ख्याल 6-1 फुट हमने और रखा था, क्या नाम है, 8 फुट था और 8-10 फुट रोटी रखा है। अच्छा, कंट्रोल आ गई है, 4th साल है मैं अपने गांव में ये सीडलिंग है, सीडलिंग पे कंट्रोल, क्योंकि हमारे में पुराने बगीचा प्रूट करने की बारी आ गई ना, कर गए हैं हम, मतलब वो कंट्रोल हो जाती है, पर ज़्यादा क्लोज मत लगाना कि जैसे हम 1-1 मीटर को लगा रहे हैं ना, उसमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर समय प्रूनिंग में ही लगे रहेंगे आपको उसमें 3-4 बार। ठीक है, जनाब जो आजकल चल रहे हैं प्रेम चौहान का मॉडल ना, उनका अपनी टेक्निक है, ये देखो उनका, मैं मतलब किसी को हम ये क्रिटिसाइज नहीं करते, उनका अपना सिस्टम है, वो देखो मेहनती बहुत आदमी है, वो 24 घंटे उसी में ही करते हैं, समय पुनी 2-3-4 बार करेंगे समय पुनी, उतने अगर आप लोग कर सकते हैं तो आपकी इच्छा है, उसमें मैं कमेंट नहीं बोलूंगा किसी पे, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी है तो उसमें मैं कमेंट नहीं, मतलब आपने अपने आप सीडलिंग और ये आपका जो रूट स्टॉक इनमें लेबर का फर्क क्या है और मेहनत किसमें ज्यादा है। मेहनत देखिए, मेहनत अगर लॉन्ग टर्म की मेहनत सोचते हैं ना, जो आपका प्रूनिंग का काम है, मतलब आपको कम कम कोशिश करनी पड़ेगी, जैसे मान लो आपका सीडलिंग में आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी रूट स्टॉक में, ये देखिए रूट स्टॉक पे जो मेहनत वाला काम है, मेहनत मीन्स कि आपका लेबर वाला एस्पेक्ट है वो कम है, कम है। देखो प्रूनिंग है आपके 1000 पौधा है, 1000 एक दिन में भी कर सकता हूँ, 2 दिन में भी कर सकता हूँ,
अब इस पे लगाएंगे आप 7-800 रुपए तो दिहाड़ी होगी, तो 3-4 पौधे ही करने उसमें हैं। देखिए स्क्वेयर के लिए इतने बड़े पौधे में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपका जितना भी छोटा पौधा होगा उसको मैनेज करना बहुत आसान है, आपने नेट डालना है सर, बस लगन मींस कि आप उसको ये नहीं छोड़ सकते कि आपने ये खाली नहीं छोड़ सकते, आपको जाना पड़ेगा उसको, अब्सेंट नहीं लगानी पड़ेगी, प्रेजेंट आप रोज लगाइए, पौधा खुद बोलेगा कि आपका मेरे को क्या आवश्यकता है, ठीक है। अब थोड़ा इसमें एक रखो, इसमें ये रखती है, अब एक दो बीमे रखती है इसमें, ये बहुत जरूरी है, ये देखो आपका हेल्दी बीमा, बाकी आप इसमें ये नए बीमे वाली सूट जो मैं बोल रहा था रैली निकाल देते हैं फिर मैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आप एक बीमा रखिए, इसमें आप पीछे आ सकते हैं, एक बीमा रखती है हेल्दी वाला, एक दो बीमे रखती है, ये जरूरी हो गई जब आपके बड़े पौधे, अदरवाइज आपके बीमे ख़त्म हो जाते हैं। अब इसमें पीछे ख़त्म हो गया, मैं यहाँ से भी निकाल दिया, अब एक दो बीमे इसमें रखिए, खासकर जब पुराने पेड़ हो जाएंगे उसका खिली बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसमें फूल आएंगे सेट बहुत कम होगा, अगर इसमें अब जो भी फूल आएगा आपका स्ट्रॉन्ग आएगा और सेट होगा, ठीक है। बस इस पर चीनी जरूरी है खासकर पुराने पेड़ों में। आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो आपका यहाँ से ग्रीन के पास इसको, तो आपकी ये ग्रोथ चेक हो जाएगी। कई बार ये रिंग के पास से काटने से और 3 शूट निकलते हैं, घबराना नहीं, 2 शूट निकाल दो, वीक शूट आएंगे तो आपने उसको आगे हेड बैक नहीं करना, ग्रोथ चेक कर देना, ठीक है। अब पीछे आते जाइए, ये देखिए इसमें बहुत सारे बीमे बन गए, बहुत ठीक है। अब इन्होंने पिछले साल इन्होंने बहुत आगे भाग गई थी, इन्होंने पीछे ले आ दिया, अगर और आप पीछे जाना चाहते हैं तो ये यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मेरा जो फ्रूटिंग एरिया है ब्रांच का वो पीछे पीछे आएगा ताकि इधर की सनलाइट वो ना रोके, तो फ्रूट बनते बनते जो ब्रांच आपकी ऊपर घुस गई है इसका थोड़ा, अब यहाँ देखिए ये भी में आपके एक का नई ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाए, खासकर पुराने पेड़ अगर 25-30-35 साल का पेड़ है तो इसमें रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब है कुछ हमारे को नई टहनियाँ भी निकल जाए और कुछ बीमे तो है ही है आपके इसमें, तो इसमें भी आप पीछे आ सकते हैं, जैसे ये है इसी ब्रांच का देखते हैं। अब इसमें क्या है कि ये लीडर था, ये सह शाखा बन गई है, अब इस सह शाखा को अभी तो मैं इसमें बहुत अच्छे बीमे इसलिए नहीं काटूंगा, धीरे धीरे करके आप इसको पीछे भी आ सकते थे, मतलब इस 9 इंच के एरिया में आपने फ्रूट लेना, जो इस मेन ब्रांच के साथ साथ फ्रूट लगेगा बीमों में वो क्वालिटी में अच्छा होगा, साइज भी अच्छा होगा, जो आपके नीचे लटके हुए बीमे हैं जैसे पुराने हो गए उसमें फ्रूट साइज बनेगा भी, साइज में छोटा होगा और धूप अंदर ना पहुंचने के कारण उसका कलर भी ठीक नहीं होगा। तो आपने इस ब्रांच को मैं ये ब्रांचेस होनी नहीं चाहिए थी, अगर पहले जो मैं कंसेप्ट आया इसको अगर आप शुरू में इतनी छोटे उसमें रखते इतनी ब्रांचेज में तो आपका देखो ये लाइट रोक रहे हैं आपके नीचे तक, तो आपको ये लाइट नीचे तक बननी थी, तो इसमें अगर इतने बीमे हैं तो पेटी तो इसमें ही हो जाएंगी, 12-15 ब्रांचेज है तो आधी आधी पेटी भी होगी, 6-7 पेटियाँ तो ऐसे ही बन जाती है, ज़्यादा जमघट करके ये अवॉइड करो, अब धीरे धीरे करके जैसे ये भी आ गए हैं इनको भी अगर पीछे ले आना है थोड़ा धीरे धीरे करके आना, एकदम नहीं आना पीछे, ठीक है। इसमें देखिए बीमे आगे के थोड़े वीक हो गए, ये बीमा बहुत अच्छा है, धीरे धीरे करके ये भी पीछे आना, ये कंसेप्ट है। ऊपर की टॉप को अगर बीच में जो नई टहनी आ गई है ना इनको रहने देना बीच बीच में ना, क्योंकि ये नई टहनियों में बीमे बनेंगे और हल्दी बीमे बनेंगे, लीटर को और ले जाना है तो एक लीटर को 3 टहनियाँ देखो ऊपर दिख रही है, तो 2 टहनियाँ निकाल दो, 1 टहनी को ऊपर लेकर उसको आधे से काटना, ताकि और अगर बढ़ाना चाहते हो
अगर क्लोज करना चाहते हैं ऊपर तो उसको वीक शूट के पास का या पॉइंट के पास से काट दो। तो ये है थोड़ा सा, अब इस पे भी देखो जैसे ये है लीटर एक ठीक जा रहा, अब इस पे कई शाखाएं मल्टीपल लीटर निकाल दिए, ये नहीं होने चाहिए। बस ये थोड़ा सा खासकर जो नए नीचे लगे इनमें थोड़ा सा ध्यान रखो, पुराने में तो एक ही इनको मल्टीपल ब्रांचेस को धीरे धीरे करके आप इसे ये जो दही फूट निकल गई है इसको ठीक है। कई बार यहाँ से भी आपके शूट निकलते हैं, अगर ये खाली होता धूप आती तो यहाँ से आपके शूट निकले थे, जिसको वाटर स्प्राउट बोलते हैं, खड़े भी निकलते हैं। उनको जग से नहीं निकालना, जैसे इसमें है तो ही निकला होगा इसमें नहीं, ये देखो यहाँ यहाँ एग्जाम्पल है, ये पिछले से पिछले साल निकला होगा, ये निकला था। अब इन्होंने मतलब इसको क्लिक करना है कोई 5-6 इंच के ऊपर से, यहाँ से इन्होंने काटा, अब देखो काटने के बाद यहाँ धीमे बन गए, अगर नहीं काटते तो ऊपर भागना था ये, अब इन्होंने यहाँ से काटा था तो इसमें धीमे बन गए, इसमें भी धीमे डेवलप करने हैं। इनमें जो फ्रूट लगेगा काफ़ी बड़े साइज़ का आएगा क्योंकि नए धीमे हैं। तो इस तरह के ब्रांचेज ये है, जैसे यहाँ देखिए आपके इसमें जहाँ धूप ठीक पड़ गई, ये देखो यहाँ से काटा या ये वीक पे आ गया, अब वीक पे आने के बाद इसको इसको भी मैं दोबारा क्लिक कर दूंगा, यहाँ भी मैं डेवलप करने, इस पर भी मैं डेवलप करने, एक आधे को मैं दो है तो एक को निकाल के एक को छोड़ दूंगा। ये भी मैं तो ये नहीं निकालना, आमतौर पर जो आपके कॉर्नर होंगे ये इसको खाली कर देते हैं, जड़ से ही निकाल देते हैं, ये नहीं निकालने ताकि आपके नीचे का पीछे धीमे बनते हैं। ये थोड़ा सा मतलब है कि इस तरह से आपने इन बड़े पेड़ों की प्रूनिंग करनी है। अब इस पेड़ को मैं ये काटा था, अब देखो इसमें बिल्कुल धूप अंदर तक जाएगी, अगर ये ना होते हुए इसको भी मैं थोड़ा क्लोज करने की कोशिश करूँगा, आगे खाली हो गया है, इसे काटो है काट लो, थोड़ा सा बड़ा काटता हूँ, अगले साल दिन का भी है और देख लेना इसका क्या रिएक्शन होगा। अब ये थोड़ा पीछे आ गया आपका, तो अब आपकी धूप अंदर तक ऐसी शूट की, देखो ये वाटर स्पॉट्स था पिछले साल, यहाँ से काटा अब वीक शूट आ गई, अब यहाँ धीमे बनने शुरू हो जाएगी। अगर आप हद तक इसको पीछे ले जाना चाहेंगे तो यहाँ वीक शूट पे और जाइए तो आपके यहाँ बीमे बन जाएंगे, ये निकाली रखना और ये कम डिस्टेंस पे मतलब 6 और 9 इंच के दायरे पे इसको। तो अब देखो इसकी धूप, जब शाम की धूप आएगी 10 से 20 से तो अंदर तक आपकी धूप आएगी, इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो बीमे आपके हेल्दी बनेंगे, बीमे कलर फ्रूट में अच्छा आएगा, साइज अच्छा बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ये झमघट ऐसे नहीं, मतलब खासकर इनमें तो बन गए, इसको धीरे धीरे करके पीछे आ गया। मैक्सिमम डाया कितना रिमूव किया जा सकता है? देखिए अगर थोड़ा आपका वहाँ में गया है 1 इंच से ज़्यादा मत वो करना, अच्छा मतलब मैक्सिमम ऐसी ब्रांचेज को आप मत डाइट, और काटने के बाद इसमें पेस्ट आपने बैक जाना है तो मैक्सिमम 1 इंच से बस 1 इंच से, क्योंकि अब ज़्यादा मत जाना है क्योंकि कैंकर के चांसेस है, एक बार कैंकर आ गया खास करके थोड़ा गर्म इलाका हाइट में मोटे भी काट दो पेस्ट लगा दो कुछ नहीं पॉसिबल है, यहाँ थोड़ा सा अवॉइड करना क्योंकि एक बार कैंकर फंस गया तो आपके पौधे डूबा दो, ठीक है। ये थोड़ा सा ये था टेक्निकल, बाकी अगले साल देखेंगे कि क्या रिएक्शन आती है, देखेंगे आप लोग थोड़ा, मैं ये नहीं बोलता कि आप अपनी जो ट्रेडिशनल है तो आपने आधे आधे से हट बैक करना, हेड बैक करते वाली थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आप हेड बैक उस आँख के ऊपर करिए जो आपकी आँख सीधी है, अगर तिरछी आँख पे करेंगे तो आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, हमें बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आगे ले जाना है इसको। और दूसरी साइड इन सब की आपने कर दी हेड बैक 50% पे, और जो लीडर बड़ा है आपका जैसे ये लीडर है इसको भी आपने नीचे काटना है, अगर नहीं काटेंगे इसको ऊपर से तो क्या होगा, अगले साल शाखाएं यही आएगी, ये खाली रह गया आपका, तो इसको आप आधे
के काट लीजिए, या बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो थोड़ी पीछे। आइडिया ये है कि आपकी ये ऊपर सबसे ऊपर वाली ब्रांच से कम 1.5 फुट ऊपर से उसको हेड बैक करिए, ताकि आपकी यहाँ ब्रांचेस आए। तो ये आपका पहले साल की गवर्नमेंट पूरी का काम। अब अगले साल क्या होगा, आपकी ये हेड बैक किया था, अब यहाँ से दोबारा उसी तरह शाखाएं निकलती है। यहाँ भी एक तो लीडर पे बट निकल गई, एक साइड वाली ब्रांचेज निकलेगी। उसमें क्या होता है कि जो साइड वाली अगेन आपकी कम्पिटिटिव ब्रांच बनती है। फिर आपका क्या होता है, अगर दोनों को रखोगे, उस कम्पिटिटिव ब्रांच को रखोगे कंपटीशन देने वाली को, वो आपका मल्टी लीडर बन जाएगा। फिर वो इस ब्रांच का मल्टी लीडर बन गया, जो कि आम यहाँ देखने को मिल रहा है। कहीं भी चले जाओ आप, तो थोड़ा सा आपने जो ये वाली है उसको भी निकाल दीजिए, तो आपका ये यहाँ साइड ब्रांचेस निकल जाएगी। इसी तरह ऊपर वाले में भी आप जब इसको लीडर को काटोगे, यहाँ भी आपने इसी तरह जैसे यहाँ ट्रीटमेंट की थी नॉचिंग करके, यहाँ भी ब्रांचेस निकालिए, और तीसरे या चौथे साल आप दोबारा वही प्रोसेस करके ऊपर आपने 4 ब्रांचेज नहीं रखी है, ऊपर टॉप पे आपको 3 ब्रांचेज मिल जाए बहुत है, क्योंकि वो नीचे वाली को छाया करती है। तो इस तरह से आपका 3-4 साल में ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो ये वाली ब्रांच आई है नीचे वाली, क्योंकि ये हमारी परमानेंट ब्रांचेज होती है, इनको हम काटते नहीं है। जो हाई डेंसिटी में उसमें टेम्परेरी होती है, उसको हम रिन्यूअल पे जाते हैं ब्रांचेज की। तो आपने यहाँ जो मैं देखा है, या मतलब कहीं भी देखो आपके ब्रांचेज के, ये ब्रांच है, आपको इसको एज ए लीडर ग्रो करना है, जैसे इसको हमने मेन लीडर को ग्रो किया है। इसमें हमने 6 शाखाएं लीडर नहीं डेवलप करनी, तो आपका ये आगे तक उतना ले जाना है जितना आपका अलॉटेड स्पेस है। स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, जब आपको लगता है कि हमने इसकी ग्रोथ दूसरे पौधे के साथ मिलनी शुरू हो जाए ब्रांचेस, तो आप उसको वीक शूट के पास काटना है। वीक शूट मीन्स जैसे ये वाला देखो, तो अगर हम मैं यहाँ से काट देता हूँ इस ब्रांच को, ये लीडर था मेरा, तो यहाँ पे काट देता हूँ तो ये वीक पे आ गया, इसकी ग्रोथ नहीं आएगी। या आगे कहीं स्पर्ज बनते हैं 2 साल वाली टहनी पे, वहाँ काट दूंगा, ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो आपका ये ढांचा सही होगा। एक ध्यान रखना कि ब्रांचेस सीडलिंग वाले में एक के ऊपर अगर एक ब्रांच आ गई है तो ये साथ नहीं रखनी। अगर साथ रखोगे क्या होगा, अभी की नहीं सोचना आपने, आज से 20-25 साल का ट्रेनिंग सिस्टम इसका डेवलप कर गए आप, तो जब ये मोटी हो जाएगी तो आपस में मिल जाएगी। तो कम से कम ये फासला 1.5 फुट का तो एटलीस्ट होना चाहिए एक ब्रांच को। हाँ, अपोजिट ब्रांच आ गई है तो आपकी 6 इंच पे भी हो सकती है, या कई बार पहले भी निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक ब्रांच के ऊपर जो ब्रांच आ गई है उस पर डिस्टेंस 1 से 1.5 फुट तक होना चाहिए। ठीक है, कोई इसमें मतलब आपको शक हो, खासकर ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर, अगर इस तरह का आप पौधा बनाएंगे तो आपका आने वाले टाइम में सूर्य का प्रकाश, धूप अंदर तक जाएगी कैनोपी तक, और आपके क्या होंगे जो कई बार ये खाली रहते हैं ना हमारे मेन ब्रांच में, इसमें छोटे छोटे ब्रांचेज निकलती रहेगी और आपके बीमे भी बनते रहेंगे। ये खाली